सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ध्यान से देखो इस इमेज को। क्या आपने कभी इस आदमी को अपने सपने में देखा है? थोड़ा याद करो और मुझे बोलो। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आपको इस इंसान के बारे में जान लेना चाहिए। और अगर आपने देखा है तो आप अकेले नहीं हो, आप उन हजारों इंसानों में से एक हो जिसने इस आदमी को अपने सपने में देखा है। और अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक बार आपने इस इमेज को देख लिया तो शायद आपके भी सपने में आज रात ये आ जाए। पर डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी डिटेल्स आज आपको पता चलने वाली है। कुछ सालों पहले ये इमेज पूरे इंटरनेट पे एक बहुत बड़े स्केल में वायरल हो गई थी, ऐसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अब आप ही बोलो, एक इंसान जो हर एक आदमी के सपने में आता है, ये अजीब नहीं लगता आपको? मतलब किसी दो या तीन इंसान के सपने में आए तो हम ये कह सकते हैं कि चलो ये एक इत्तेफाक, पर हजारों इंसानों के सपने में अगर एक इंसान दिखे तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। 2006 में न्यूयॉर्क में एक बहुत फेमस साइकाइट्रिस्ट के दोस्त ने उससे कहा, मेरे सपने में एक दो बार नहीं, रोज एक ही इंसान आता है और उसे वो सपने में बहुत परेशान करता है और सपने में नेगेटिव चीजें भी आती है। और उसने एक बात पक्का कहा था कि वो उस इंसान को उसने असल जिंदगी में ना कभी देखा था और ना कहीं मिला था। शुरू शुरू में लोगों ने इसे मजाक में ले लिया और उन्हें लगा कि ये एक रैंडम सी चीज है। पर जब लगातार एक महीने, जी हाँ एक महीने तक हर दिन वो चेहरा उसके दोस्त के सपने में लगातार आता रहा, डेली डेली वही चेहरा, तब उसने फिर से अपने साइकाइट्रिस्ट दोस्त को इस चीज को सीरियसली लेने को कहा कि कहीं उसे दिमागी बीमारी तो नहीं। टेस्ट करने के बाद कोई बीमारी नहीं निकली। उसका दोस्त तो साइकाइट्रिस्ट था, इसलिए उस इंसान के दोस्त ने एक स्केच बनवा दिया। अपने स्क्रीन पे आप जो इमेज देख रहे हो इसी की बात कर रहा हूँ मैं। ये स्केच उस साइकाइट्रिस्ट ने अपने डेस्क पे रख दिया। कुछ दिन बाद एक और पेशेंट अपनी मेंटल हेल्थ को चेकअप करने आया, तभी उसकी नजर उस इमेज पे पड़ी। उस इमेज को देखने के बाद मानो उसे कोई झटका सा लगा। उसने कहा, इस इंसान को तो मैंने कई बार अपने सपने में देखा। इस चीज को देखकर वो साइकियाट्रिस्ट थोड़ा सीरियस हो गया। तब धीरे धीरे उसके मन में ये बात आने लगी कि नहीं, ये कोई बड़ी सी चीज है, कुछ तो अजीब है इस इमेज में। कुछ दिन बाद एक और पेशेंट ने उस इमेज को देखा और उसने भी यही कहा कि ये इंसान इसके सपने में आके इसे सताता है। उसके बाद धीरे धीरे 100-200 लोगों ने इस बात को बोलना शुरू कर दिया। फिर उस साइकाइट्रिस्ट ने अपनी बाकी दोस्तों को इस इमेज को भेज दिया। उसके साइकाइट्रिस्ट दोस्तों के जितने भी पेशेंट थे उन सब ने इस इंसान को अपने सपने में देखा था। ये एक बहुत ही सीरियस और बहुत ही अजीब सी चीज है। मतलब एक ही इंसान 100-200 लोगों के सपने में कैसे आ सकता है भला? फिर उसने बड़े विभागों से इसके बारे में बात की और वहीं से ये बात फैली। बाद में ये पता चला कि सिर्फ 100-200 नहीं, दुनिया भर के हजारों इंसानों के सपने में ये आता रहता है। अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, सिंगापुर, हर जगह पर लोगों ने इस इंसान को अपने सपने में देखा था। और सबसे अजीब बात ये है कि ये इंसान तो अपने सपने में आता है पर आज तक असल जिंदगी में इसे किसी ने नहीं देखा। कोई नहीं जानता है कि ये इंसान सच में जिंदा है कि नहीं। पर ये आखिर सबके सपने में क्यों आता है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसके बहुत सारे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस भी मौजूद है। एक फेमस थ्योरी ये कहती है कि ये जो इमेज है ये एक कलेक्टिव इमोशन रिप्रेजेंटेशन टाइप की इमेज है। मतलब अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आप ये नोटिस करोगे कि ये इंसान खुश भी है, दुखी भी है, टेंशन में भी है और रिलैक्स भी है। मतलब सारी इमोशंस एक ही इमेज में है और जो आप सपने देखते हो वो इमोशन से जुड़ी होती है। इसलिए जब आपका ब्रेन आपको सपने दिखाता है तो वो रैंडमली आपको इस चेहरे को दिखा देता है। एक और थ्योरी ये कहती है कि ये इंसान का चेहरा एक स्पेशल चेहरा है। इसकी इंस्पेक्शन से ये पता चला है कि अगर आप कई इंसानों के चेहरे को मिला के एक चेहरा बनाओगे, नाक का शेप, आंखों का स्टाइल और जॉ लाइन, तो आखिर में ऐसी इमेज बनेगी। मतलब ये भी उस कलेक्टिव इमोशन वाली थ्योरी की तरह है और इसका नाम है कलेक्टिव फेसेस थ्योरी।
मतलब दुनिया के सारे चेहरे को मिलाओगे तो आपको ये चेहरा देखने को मिलेगा। और एक थ्योरी ये कहती है कि ये इंसान सच में मौजूद है और ये किसी सीक्रेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है लोगों के माइंड के अंदर घुसने के लिए। यार पर्सनली मैं इस थ्योरी को नहीं मानता, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे इंसानों के दिमाग के अंदर आप घुस सको ये मुझे सच नहीं लगता। पर मेरे हिसाब से जो सबसे स्ट्रॉन्ग थ्योरी है वो ये कि इस इंसान के चेहरे पे हर तरह के इमोशंस है, इसलिए हमें ये सपने में दिखता है। और एक बात मेरे मन में आई है कि देखो ये कुछ लोगों के सपने में आया, ओके, फिर उन लोगों ने इसे ऑनलाइन पोस्ट कर दिया इस बात को बोल के कि ये इंसान सबके सपने में आता है। तो अगर बाकी लोग इस इमेज को देखेंगे ये सोच के कि ये इंसान सबके सपने में आता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है और इसी के चलते ये बाकियों के सपने में भी आने लगता है। और स्टार्टिंग में हजारों लोगों को दिखने के बाद जब ये इंटरनेट पे आया तब इसे करोड़ों लोग देखने लगे और इसी के चलते शायद ये उन करोड़ों लोगों के सपने में आता है। तो भाइयों थोड़ा ध्यान से सोना, हो सकता है कि आपके सपने में भी ये आ जाए। अगर आज रात आपके ये सपने में आए तो कल सुबह उठ के इस वीडियो में एक कमेंट छोड़ जाना कि आपने क्या देखा। मैं अपनी बात करूं तो शायद आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे साथ भी यही हुआ था। पहली बार इस इमेज को देखने के बाद अगले दिन ही ये मेरे सपने में आ गया था। जिन लोगों ने इस इंसान को अपने सपने में देखा था उन लोगों ने एक वेबसाइट को बनाया था। इस वेबसाइट का नाम है thisman.org। इस वेबसाइट में आपको इस इंसान की पूरी जानकारी मिलती है। इस हिस्ट्री टैब में आप इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ सकते हो। इस ड्रीम टैब में आप लोगों के सपने के अनुभवों को पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये इंसान उनके सपनों में आके उनकी मदद करता है, और बहुत लोग ये कहते हैं कि ये उनको दुख पहुंचाता है। सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। ऐसे बहुत कोई मुझसे पूछते हैं कि फैक्टिक ये बताओ कि क्या सपनों का कोई मतलब होता है। अगर मैं एक साइंटिफिक तरीके से बताऊं तो यार नहीं। साइंस के हिसाब से आप जो सपने में देखते हो वो आपके दिमाग की जस्ट रैंडम सी थॉट्स होती है। मतलब आप जो भी दिन भर करते हो वो उसी इंफॉर्मेशन को डाल के आपको वो चीज दिखाता है। मतलब साइंटिफिक थ्योरीज के हिसाब से सपनों का कोई मतलब नहीं होता। पर अगर हम वहीं दूसरी तरफ स्पिरिचुअलिटी को माने, मतलब कि आध्यात्मिक ज्ञान को, तो सपनों का मतलब होता है। और जो आप सपने में देखते हो उसका कोई ना कोई कारण होता है। जैसे अगर आप सपने में किसी इंसान को अक्सर देखते हो तो इसका मतलब आपका और उस इंसान का आपस में कोई ना कोई आध्यात्मिक कनेक्शन है। अगर आप सपने में ये देखते हो कि आप ऊपर से गिर रहे हो तब इसका मतलब आप बहुत बिजी रहते हो और ये संकेत है कि आपको शांति की जरूरत है। ये जो मैंने आपको बताया ये तो आध्यात्मिक बातें हैं, पर विज्ञान इन सब चीजों को नहीं मानता। पर जो भी हो इस इंसान के रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा सका। शायद कलेक्टिव इमोशन वाली थ्योरी सही है, पर फिर भी ये आज तक की सबसे विवादास्पद टॉपिक्स में से एक है कि आखिर ये सबके सपने में आता क्यों है। तो क्या आपने इस इंसान को अपने सपने में देखा है? अगर नहीं भी देखा तो क्या आपको इस इमेज में कुछ अजीब दिख रहा है? आपको इस इमेज को देखने से कुछ फील हो रहा है? नीचे कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को ऑन कर देना ताकि नई वीडियोस जिसे मैं डालूं वो आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ।